हेलो एवरीवन, मैं विनय प्रसाद, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल नॉलेज शेयरिंग में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल ग्रुप्स के बारे में। गूगल ग्रुप्स होता क्या है, गूगल ग्रुप्स का कैसे क्रिएट कर सकते हैं और गूगल ग्रुप्स का यूज कहां कर सकते हैं, तो इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, ये वीडियो उन सभी के लिए फायदेमंद है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देख रहे हो कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलते हैं, तो फैकल्टीज और जो टीचर्स हैं उन्हें क्या होता है कि मेल भेजना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो अब अगर आप सोचो कि आप सभी स्टूडेंट्स का मेल आईडी टाइप करके फिर आप मेल भेजेंगे, तो सोचिए कितना समय आपका लगेगा, आपका काफी टाइम किल कर देगा और हो सकता है कि गलत होने के चांसेस भी हो सकते हैं आपसे। तो आप क्या कर सकते हो कि ग्रुप मेल आईडी क्रिएट करके आप मेल भेज सकते हैं, या फिर उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है कि जो सपोज एक कॉमन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं उनके, ठीक है। आप चाहते हो कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे टीम मेंबर्स के आप साथ शेयर करें, तो आप क्या कर सकते हो कि एक ग्रुप मेल क्रिएट कर सकते हो यूजिंग गूगल ग्रुप्स और उसमें आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए फायदेमंद होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज आपको मैं यहां बताऊंगा कि कैसे आप गूगल ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। उसके बाद आप क्या करिए कि यहां एड्रेस बार पे groups.google.com टाइप करिए, groups.google.com टाइप करके एंटर प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप देखो यहां पर कि यहां पर आपको ये 9 डॉट्स दिख रहे हैं जिसे हम गूगल एप्स कहते हैं, यहां पर क्लिक करिए और नीचे आ जाइए, ठीक है। यहां पर आपको अगर गूगल ग्रुप्स मिल जाता तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करिए मोर फ्रॉम गूगल पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको जितना भी गूगल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यहां पर नीचे में मिल जाएंगे, और यहां पर से आप ये गूगल ग्रुप्स पे क्लिक करिए। अब देखो ये क्या आपका गूगल का प्रोडक्ट है ना। जब गूगल का प्रोडक्ट है तो इसका मतलब आपको गूगल अकाउंट चाहिए और आई वुड से जीमेल अकाउंट चाहिए इसको एक्सेस करने के लिए। तो अगर आपको नहीं पता है कि जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, तो आप ऊपर में आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके सीख सकते हैं कि मोबाइल फोन पे कैसे आप जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो यहां पर आपका गूगल ग्रुप्स का होम पेज आ गया है, तो अब मुझे इसे एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, साइन इन करना होगा। मैं चाहता हूं कि जिस मेल आईडी के थ्रू मैं इस गूगल ग्रुप को क्रिएट करना चाहता हूं उसके आईडी के थ्रू मैं यहां पर साइन इन करूंगा, ठीक है। तो मैं यहां पर क्लिक करता हूं और इस पर्टिकुलर मेल आईडी के थ्रू मैं एक्सेस करना चाहता हूं, तो यहां पर मैं क्लिक करूंगा। अब देखो मैं क्या हो गया कि इस पर्टिकुलर मेल आईडी के थ्रू मैंने इसको लॉग इन कर लिया है, फाइन। अब एक चीज ध्यान में रखिए कि जब मैं गूगल ग्रुप्स की बात करता हूं तो यहां जो ग्रुप है तो ग्रुप में जो मेंबर्स होंगे उन सभी मेंबर्स का इंटरेस्ट कॉमन होगा, फाइन। क्योंकि अगर मान लो मैं सपोज किसी क्लास का टीचर हूं और मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को मेल भेजना चाहता हूं, तो मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे, तो उनका मैं अगर कॉमन एक ग्रुप मेल आईडी क्रिएट करूंगा तो मैं यही ना चाहूंगा कि उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं मैं वो कॉमन इन्फॉर्मेशन है और उन सभी को मेल में वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि गूगल ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि वहां पर जो ग्रुप में मेंबर्स होते हैं उन सभी का इंटरेस्ट कॉमन होता है, ठीक है। तो अब हम कैसे क्रिएट करेंगे गूगल ग्रुप्स, तो अब हम क्या करेंगे उसके लिए यहां पर हम क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करते हैं। अब हमें यहां पर अपने ग्रुप का कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा, ठीक है। सपोज मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं और क्लास 12 में पढ़ाता हूं, फाइन, और बैच 2020 को पढ़ाता हूं, तो मैं क्या करूंगा यहां पर ग्रुप का नेम दे देता हूं मैथमेटिक्स क्लास 12 बैच 2020, ओके। तो देखो ये जो मेरा क्या हो गया ग्रुप का नेम हो गया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए ग्रुप ईमेल भी क्रिएट कर दे रहा है, मैथमेटिक्स -class-12-batch एंड फिर आपका -2020@googlegroups.com। तो ये हमारा क्या हो गया ग्रुप ईमेल हो गया। अगर सपोज ये जो ईमेल है ये पहले से किसी के पास होता तो यहाँ पर आपको वो शो करता कि आप इसे चेंज करिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तब यहाँ पर हम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि दिस ग्रुप, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखो आपसे पूछ रहा हु कैन सर्च फॉर द ग्रुप, ग्रुप मेंबर्स एज इट इज रहने दीजिए, हु कैन ज्वाइन द ग्रुप ओनली इनवाइटेड मेंबर्स ही रहने दीजिए बाय डिफॉल्ट। यहां पर अगर आप यहां पर जो एरो देख रहे हैं नीचे की तरफ यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको देखो एनी वन कैन आस्क एनी वन कैन ज्वाइन। तो मैं सिंस आप देखो ये सब चीजें जो आप क्रिएट करते हो तो आपका चाहते हो कि लिमिटेड जो यूजर्स है बस उन्हीं को आप ऐड करना चाहते हैं, है ना। बिकॉज कोई एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ मैं और उस पर्टिकुलर क्लास के बच्चों को ही मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको ओनली इनवाइटेड यूजर्स ही रहने देना चाहता हूँ। अब देखो हु कैन व्यू कॉन्वर्सेशन, तो यहाँ ग्रुप ओनर्स, तो सिंस मैं ग्रुप का ओनर हूँ तो मैं देख सकता हूँ, अगर मैं किसी को ग्रुप मैनेजर्स क्रिएट कर रहा हूँ तो वो भी देख सकता है, एंड ग्रुप मेंबर्स, तो इसको मैं एज इट इज ही रहने दूंगा।
उसके बाद आप नीचे हु कैन पोस्ट, तो जो ग्रुप का ओनर है वो डेफिनेटली पोस्ट कर सकता है। अगर आप किसी ग्रुप मैनेजर किसी को बना रहे हैं, मतलब ग्रुप ओनर क्या करता है, असाइन कर देता है रोल कि आप भी इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। बट ग्रुप मैनेजर्स क्या होता है, ग्रुप को डिलीट नहीं कर सकता या फिर किसी मेंबर को वो ओनर नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये सब कुछ लिमिटेशंस रहते हैं ग्रुप मैनेजर्स के। और देखो यहाँ पर क्या है, ग्रुप मेंबर्स, तो डेफिनेटली ग्रुप मेंबर्स भी मेल भेज सकते हैं मुझे। उसके बाद हु कैन व्यू मेंबर्स, तो यहाँ पर मैं लिमिटेड रखना चाहता हूँ ग्रुप ओनर्स को, दैट इज़ मैं ही देख सकता हूँ कि कौन मेंबर्स है, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब देखो हमारा ये स्टेप 3 है, हमें क्या करना है कि मेंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहला ग्रुप मेंबर्स पूछ रहा है, उसके बाद ग्रुप मैनेजर से ग्रुप ओनर, तो मैं देखिए ग्रुप का ओनर हूँ तो बाय डिफॉल्ट मेरा ही नाम यहाँ पर है, ठीक है, मेरा मेल आईडी है यहाँ पर। तो देखो ग्रुप मेंबर्स में आप क्या कर सकते हो कि जैसे मैं क्लास का टीचर हूँ, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो जो भी बच्चे हैं उनका मेल आईडी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो आप देखोगे कि जनरली होता क्या है कि आपके स्कूल के पास या फिर आपके कॉलेज के पास क्या होता है कि बच्चों का मेल आईडी का एक लिस्ट होता है, ठीक है। आपके पास मान लो सपोज एक ऐसा एक्सेल फाइल है और यहाँ पर मैंने सिर्फ दो ही बच्चे लिए, तो आपके पास और भी बच्चे होंगे तो उनका मेल आईडी होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि उनके मेल आईडी को यहाँ पर से कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। फाइन, कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया था, कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक से ज़्यादा मेल आईडी है, ओके। तो अब मुझे दो मेल आईडी के बीच में डिफरेंशिएट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेटर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक सेमी कोलन डाल देता हूँ, तो इससे क्या हो गया कि अब देखिए मेरा दोनों मेल आईडी मेरा सेपरेट हो गया है, ये दोनों मेल आईडी मेरे डिफरेंट मेल आईडी है। अब ग्रुप मैनेजर्स का काम ये होता है कि आप उसको असाइन करते हैं कि आप भी ग्रुप को मैनेज कर सकते हैं, बट वहाँ पर कुछ लिमिटेशंस होता है ग्रुप मैनेजर्स के पास कि वो ग्रुप को डिलीट नहीं कर सकते या फिर किसी मेंबर को ओनर नहीं बना सकते। तो मैं ग्रुप मैनेजर्स किसी को असाइन नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आप वेलकम मैसेज डाल सकते हैं कि हाई ऑल मेल आई डी, ओके। तो आपने एक ऐसा इन्फॉर्मेशन और वेलकम मैसेज डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, नीचे आप देखोगे कि सब्सक्रिप्शन टाइप ऑल ईमेल, इसको मैं एज इट इज रहना देना चाहता हूँ। यहाँ देखो ये ऑन है, डायरेक्टली ऐड मेंबर्स, ऐड मेंबर्स टू द ग्रुप डायरेक्टली। अब देखो ये मेरे क्लास के बच्चे हैं, तो मैं जानता हूँ कि इन्हीं को मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा कि ये वाला ऑन रख दूंगा, ठीक है, डायरेक्टली ऐड मेंबर्स को। तो यहाँ पर क्या हो कि इन बच्चों को इन्विटेशन नहीं जाएगा कि आप इस ग्रुप मेंबर्स को बनिए, दैट इज आप इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करिए, ऐसा कोई मैसेज नहीं जाएगा उनको। बस ये जाएगा कि आपको इस ग्रुप में हम ऐड कर दिए हैं और ये आपका जो वेलकम मैसेज है वो उनको चला जाएगा। अगर मान लो आप चाहते हो कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स का मैंने मेल आईडी डाला उनको मैं इन्विटेशन भेजूँ कि आप इस ग्रुप में ऐड होने के लिए एक्सेप्ट करिए मेरे इन्विटेशन को, तो आप इस चीज़ को ऑफ कर दीजिएगा। तो अब क्या होगा कि इन दोनों जो बच्चों का मैंने मेल आईडी डाला है उनको वो इन्विटेशन मैसेज जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना इन्विटेशन मैसेज, तो अब वो इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेंगे तभी वो इस ग्रुप का मेंबर बन पाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, इस चीज़ को मैं ऑन कर दूं और मैं उनको डायरेक्टली ऐड करना चाहता हूं। तो मैं यहां पर क्रिएट ग्रुप पे फिर मैं क्लिक करूंगा। देखिए आपसे कैप्चा पूछ रहा है, तो आप यहां पर आई एम नॉट अ रोबोट यहां पर आप चेकबॉक्स को टिक कर दीजिए और क्रिएट ग्रुप फिर से दोबारा पे क्लिक कर दीजिए। अब देखो आपका यहां पर आ गया है कि मैथमेटिक्स क्लास 12 बैच 2020, ये आपका ग्रुप कॉमन ग्रुप ईमेल आईडी हो गया, दैट इज मैथमेटिक्स ये हाइफन है क्लास हाइफन 12 हाइफन बैच हाइफन 2020@googlegroups.com। तो देखो यहाँ पर तीन मेंबर्स हैं, आपके मेंबर्स के नाम भी आ गए, उनका मेल आईडी हो गया। अब यहाँ गो टू ग्रुप पे क्लिक करिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैथमेटिक्स क्लास बैच 2020 है। यहाँ पर अगर आप चाहोगे तो मेंबर्स पे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो मेंबर्स देख सकते हैं कौन कौन मेंबर्स है यहाँ पर। तो देखिए ये तीन मेंबर्स हैं, तो मैं ओनर हूँ और बाकी जो दो मेंबर हैं वो यहाँ पर ऐड हो गए हैं, ठीक है। अब सपोज आप किसी मेंबर को रिमूव करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, जैसे मान लो मुझे इसको रिमूव करना, तो इस चेकबॉक्स को मैं टिक कर दूंगा और यहाँ पर से आप देखिए यहाँ पर आपके पास रिमूव मेंबर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको किन्हीं को ऐड करना है तो यहाँ ऐड मेंबर्स पे क्लिक करिए और वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उनका मेल आईडी डाल सकते हैं यहाँ पर से। और देखिए डायरेक्टली ऐड मेंबर्स का ऑप्शन, अगर इसको आप ऑफ करिएगा तो आप उसको इन्विटेशन भेजिएगा, अगर इसको आप ऑन रखते हैं तो डायरेक्टली आप उन्हें ऐड कर सकते हैं, फाइन। अब देखो आपको क्या करना है कि मैं यहाँ पर अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ग्रुप का इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर ये ग्रुप का कॉमन ग्रुप मेल आईडी है, तो आप इसे कॉपी करके कहीं आप इसे सेव कर लीजिए। तो मान लो मेरे पास ये एक्सेल का जो फाइल था यहीं पर मैं इसे कहीं सेव कर देता हूँ, ठीक है, कि क्लास 12 बैच 2020, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं ये ईमेल आईडी को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एज अ रिकॉर्ड पर्पज से, ताकि फ्यूचर में मुझे दिक्कत ना आए कि ये पर्टिकुलर मेल आईडी कौन से ग्रुप का है। तो इस तरीके से आप सेव कर सकते हो और इसे फिर सेव कर लीजिए, तो आपका ये जो
एक्सेल सीट था वहाँ पर आपके डिटेल सेव रहेगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हमारा मेंबर्स पे हम फिर से आते हैं। अब मान लो सपोज मुझे मेल भेजना है, तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, अपना हम जीमेल अकाउंट में जाते हैं, जिस आईडी से मैंने क्रिएट किया गूगल ग्रुप उसी जीमेल आईडी को मैं ओपन करता हूँ। तो आप देखोगे कि मेरे पास भी एक मेल आया है कि जो बताएगा कि आपने गूगल ग्रुप क्रिएट किया। देखो यहाँ पर एक मेल आया है मेरे पास कि ग्रुप मैथमेटिक्स क्लास 12 बैच 2020 क्रिएटेड एंड रेडी टू यूज़। आपके पास भी एक कन्फर्मेशन मेल आ जाता है। अब सपोज आप चाहते हो कि एक वेलकम मैसेज भेजे उस पर्टिकुलर कॉमन ग्रुप मेल आईडी पे, ठीक है, तो आप क्या करिए यहाँ पर कंपोज मेल पर क्लिक करिए और यहाँ पर लिख दीजिए कि वेलकम मैसेज बैच 2020, ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिए कि हाई स्टूडेंट्स। ओके, एक छोटा सा मैं एक मैसेज डाल दे रहा हूँ और यहाँ पर मुझे क्या करना हो कि वो जो हमारा कॉमन ग्रुप मेल आईडी था उसको यहाँ पर हमें टाइप करना होगा। तो देखिए मैंने क्या करके रखा है, उसे पहले से यहाँ पर सेव करके रखा था, तो मैं यहाँ पर इसे कॉपी करता हूँ। आप क्या कर सकते हो कि इसे कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसे सेंड कर देता हूँ। तो देखिए ये जो मैसेज था इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे मेरा चला जाएगा, दैट इज जो कॉमन गूगल ग्रुप्स था मेरा उस पे वो चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक कर देता हूँ और ये जो मैसेज थे उस पर्टिकुलर जो ग्रुप मेल आईडी है मेरा, कॉमन जो गूगल ग्रुप मेल आईडी था उस पे वो चला जाएगा और जितने मेंबर्स थे सबको वो मैसेज मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि गूगल ग्रुप की मदद से आप बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से जितने मेंबर्स हो उनको मेल भेज सकते हैं। फाइन, अब अगर चाहते हो कि इस गूगल ग्रुप को जो आपने क्रिएट किया उसे आप डिलीट करना चाहते हो, कि सपोज आपका सारा काम हो चुका है और आप चाह रहे हो कि आप इसे डिलीट करना है, तो आप क्या करिए कि यहाँ पर आप आ जाइए ग्रुप सेटिंग्स पे और आप नीचे पे आएंगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिलीट ग्रुप, डिलीटिंग अ ग्रुप इज परमानेंट। तो यहाँ पर आप क्लिक करिए, आपसे बोलेगा कि डिलीट मैथमेटिक्स क्लास 12 बैच 2020, डिलीटिंग अ ग्रुप इज परमानेंट, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, आप यहाँ ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो आपने जो ग्रुप क्रिएट किया था वो ग्रुप अब आपका परमानेंटली डिलीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर माई ग्रुप्स में आपका वो ग्रुप नहीं शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप गूगल ग्रुप्स में कैसे ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, कैसे मेल भेज सकते हैं और गूगल ग्रुप्स का मतलब फंक्शन क्या है वो भी आपको मैंने समझाया, और कैसे आप ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं वो भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में आप सीख गए होंगे गूगल ग्रुप्स में कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं ग्रुप्स, फिर आप कैसे मेल भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर इस वीडियो को पसंद करें तो इस वीडियो को लाइक डेफिनेटली करें, इस वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।